करें मापन मात्रक मेजरमेंट एंड यूनिट सबसे पहले हम लोग जानेंगे मापन मापन होता क्या व्हाट इज मेजरमेंट मापा किसको जाता है भौतिक राशियों भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी वे सभी भौतिक राशियां जिनको हम माप सकते हैं जिनका कुछ मात्रक होता है जिनको मापा जा सकता है इन सभी राशियों को भौतिक राशियां कहा जाता है। जैसे में लंबाई लेंथ चाल स्पीड वेग वेलोसिटी बल फोर्स ये सभी भौतिक राशियां हैं जिनको किसी न किसी तरह से किसी न किसी प्रकार के यंत्र से मापा जाता है। इन राशियों को भौतिक राशियां कहा जाता है। अब रही बात की भौतिक राशियों को मापने के लिए भौतिक राशियों को किस प्रकार मापा जाता है किसी न किसी यंत्र से इसका नाम है मापक यंत्र मापक यंत्र मापक यंत्र के द्वारा इन राशियों को मापा जाता है। मापन में दो फैक्टर दो चीजों का यूज करके जैसे लंबाई किसी की लंबाई या किसी छड़ की लंबाई 10 मीटर है तो 10 मीटर में दो बातें पहला 10 और दूसरा मीटर 10 उस भौतिक राशि अर्थात लंबाई का परिमाण है मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड 10 मीटर 10 जो है परिमाण है और दूसरा इसका मात्रक है ये पहला परिमाण और दूसरा मीटर उसका मात्रक है 10 लंबाई का भौतिक राशि का परिमाण मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि हम एक एक मीटर करके 10 मीटर मापेंगे तो 10 उसका परिमाण हुआ और मीटर जो है और उसका मात्रक है। अब 10 मीटर में दो चीजें उपलब्ध है एक 10 और दूसरा मीटर 10 परिमाण और मीटर उसका मात्रक है। अतः लंबाई को मापने में दो चीज यूज हुआ 10 और मीटर तो 10 और मीटर में 10 और मीटर दोनों जरूरत है। यदि हम मीटर हटा दें केवल 10 बोलें तो 10 का मतलब कुछ भी हो सकता है अर्थात 10 के आगे कुछ लगा होना चाहिए अर्थात 10 दर्जन भी हो सकता है 10 किलोग्राम भी हो सकता है अतः लंबाई का माप नहीं हो पाएगा क्योंकि केवल 10 है और 10 के बाद मीटर भी जरूरी है। अतः किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है पहला उसका परिमाण और दूसरा उसका मात्रक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात केवल मीटर बोल दें तो भी उसका मापन नहीं हो पाया क्यों क्योंकि मीटर मतलब क्या मीटर लंबाई और मीटर मापने का यंत्र भी हो सकता जैसे एक मीटर का डंडा या मीटर पैमाना लेकिन
उसके साथ 10 बोलना और उसके फिर कभी लंबाई को कहेंगे 10 मीटर यानी लंबाई की माप होने के लिए दोनों आवश्यक। दूसरा है जैसे मान लीजिए अगला कोई भौतिक राशि है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को मापने के लिए हम जैसे गेहूं का द्रव्यमान 20 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम में दो बातें पाला 20 और दूसरा किलोग्राम। द्रव्यमान भौतिक राशि का पहला मान जो 20 है वो 20 माप है यानी उसका परिमाण है और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। अतः द्रव्यमान भौतिक राशि के मापने में दोनों चीज आवश्यक है 20 और किलोग्राम। यदि केवल 20 रखा जाए किलोग्राम न रखा जाए तो द्रव्यमान का माप नहीं हुआ। अतः हम मापन का परिभाषा देने जा रहे हैं कि मापन होता क्या है। मापन किसी भौतिक राशि को संख्यात्मक मान जैसे 10 संख्यात्मक मान के साथ उचित मात्रक लगाकर व्यक्त करना। उचित मात्रक क्या है, जैसे अभी द्रव्यमान लिया तो क्या होगा किलोग्राम, लंबाई लेंगे तो क्या होगा मीटर। अतः द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, लंबाई का मीटर और परिमाण क्या है 10। अर्थात संख्यात्मक मान के साथ उचित मात्रक लगाकर व्यक्त करना मापन कहलाता है। संख्यात्मक मान के साथ उचित मात्रक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने लिया दूरी अर्थात लंबाई, और लंबाई में केवल हम 10 लिखने के बाद लिख दिया किलोग्राम, तो किलोग्राम लंबाई का उचित मात्रक नहीं है। इसमें दो चीज है, परिमाण के साथ साथ मात्रक है। तो केवल मात्रक बोलने से परिभाषा नहीं बनेगा, अर्थात मापन के लिए दो चीज आवश्यक है, संख्यात्मक मान साथ साथ उचित मात्रक। उचित मात्रक होना चाहिए, अर्थात उचित मात्रक दूरी के लिए यहाँ क्या होगा मीटर हो, क्योंकि दूरी को मीटर में मापा जाता है, दूरी का उचित मात्रक मीटर है। और संख्यात्मक मान तो कुछ भी हो सकता था 10 20 50, लेकिन उचित मात्रक मीटर है। यदि हम इसमें किलोग्राम या मीटर वर्ग मीटर या कुछ दूसरा मात्रक लगा दी तो दूरी की माप नहीं होगी। अतः भौतिक राशि जिनको मापा जा सके उसमें दूरी जो है भौतिक राशि है, इसको मापने के लिए दो चीज 10 और मीटर। 10 है संख्यात्मक मान और मीटर उसका है मात्रक। अतः मापन के लिए दो चीज आवश्यक है, संख्यात्मक मान और मात्रक। किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्यात्मक मान के साथ उचित मात्रक लगाकर व्यक्त करने को मापन कहते हैं। मापन की परिभाषा क्या होगी, मापन इसे भौतिक राशि को की परिमाण को संख्यात्मक मान के साथ उचित मात्रक लगाकर व्यक्त करना। उचित मात्रक लगाकर व्यक्त करने को मापन कहते हैं। मापन एक प्रकार की क्रिया है, मतलब मापना। किसको मापा जाता है, भौतिक राशियों में लंबाई जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, चाल, वेग,
ये सब भौतिक राशियां हैं, इनको मापने के लिए परिमाण के संख्यात्मक मान के साथ उचित मात्रक लगाकर व्यक्त किया जाता है। अतः किसी भौतिक राशि को संख्यात्मक मान के साथ उचित मात्रक लगाकर व्यक्त करने को मापन कहते हैं। मापन समझ गए होंगे, ठीक से सुन लीजिए। मापन का मतलब होता है मापना। किसको मापना? भौतिक राशियों, भौतिक राशियां जिनको मापा जाता है, जिन राशियों को मापा जाता है उसका नाम है भौतिक राशियां। और भौतिक राशियों को मापने में संख्यात्मक मान के साथ एक मात्रक यूज करते हैं, लेकिन मात्रक उस भौतिक राशि के न संगत होना, उचित मात्रक होना चाहिए। मात्रक तो बहुत है, संख्यात्मक मान भी बहुत है। जैसे 10 के साथ यदि हम मीटर लगा देंगे तो ये हो गया दूरी, यदि हम लगा देंगे किलोग्राम तो ये हो जाएगा द्रव्यमान। अतः द्रव्यमान का मात्रक 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम में 10 के साथ किलोग्राम द्रव्यमान का उचित मात्रक है। 10 मीटर में संख्यात्मक मान 10 के साथ मीटर उस भौतिक राशि का उचित मात्रक है। अतः किसी भौतिक राशि को संख्यात्मक मान के साथ उचित मात्रक लगाकर व्यक्त करने को मापन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। अतः द्रव्यमान यहां लिख रहे चीनी का द्रव्यमान, चीनी का द्रव्यमान, चीनी का द्रव्यमान 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम में 5 और किलोग्राम दोनों 5 संख्यात्मक मान है और किलोग्राम द्रव्यमान का उचित मात्रक है। अब चीनी का माप हो गया, यदि हम मार्केट में पहुंचे और हमको चीनी लेना है, केवल जाकर दुकानदार से 5 बोलेंगे तो दुकानदार को समझ में नहीं आए, अर्थात 5 क्या, 5 के बाद कुछ भी हो सकता है। लेकिन 5 के बाद यदि हम बोलेंगे कि 5 किलोग्राम चीनी चाहिए तो दुकानदार को समझ में आ जाता है और वो 5 किलोग्राम चीनी देता है। यदि हम किसी दूसरे दुकान में गए और कपड़ा लेने के लिए गए और कपड़ा के लिए लंबाई हम बोले कि 2 मीटर कपड़ा दीजिए, अतः 2 मीटर में केवल 2 हम बोले और मीटर ना बोले तो दुकानदार को समझ में नहीं आएगा, अर्थात 2 के साथ मीटर बोलना उचित होगा, क्योंकि उस कपड़े की लंबाई में 2 संख्यात्मक मान है और मीटर उसका मात्रक है, लंबाई का उचित मात्रक मीटर है। यदि हम यहाँ किलोग्राम लगा दें तो 2 के साथ किलोग्राम, 2 किलोग्राम कपड़ा नहीं होता, कपड़े की लंबाई मीटर में ही होगा, अर्थात 2 के साथ उचित मात्रक कपड़े की लंबाई में मीटर होना चाहिए। अतः कपड़े की लंबाई की माप हो जाती है। तो ये रहा दूरी, दूरी अर्थात क्या, लंबाई, लंबाई में कपड़े की लंबाई, कपड़े की लंबाई कितना, 2 मीटर। अर्थात इस 2 मीटर में 2 संख्यात्मक मान है और मीटर उसका उचित मात्रक है। ठीक उसी प्रकार चीनी का द्रव्यमान में 5 संख्यात्मक मान है और किलोग्राम उसका उचित मात्रक है। तो उचित मात्रक लगाकर व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, मापन। अब भौतिक राशियों को मापने में यदि हम संख्यात्मक मान के साथ उचित मात्रक लगाकर व्यक्त करते हैं तो मापन कहलाता है। बहुत सारे भौतिक राशियां हैं जिनको मापा जाता है और मापने के लिए हमें एक मापक यंत्र की जरूरत पड़ती है। मापक यंत्र, हर भौतिक राशि को किसी न किसी मापक यंत्र से मापा जाता है और मापक यंत्र
जैसे कपड़े की लंबाई मापने के लिए मीटर पैमाना, मीटर पैमाना, मीटर पैमाना क्या है? एक प्रकार का यह यंत्र ही है जिससे कपड़े की लंबाई या किसी छड़ की लंबाई या कोई लंबाई मापा जाता है। मीटर पैमाना, लकड़ी का पैमाना या स्टील वगैरह का जो पैमाना होता है उस पर 100 सेंटीमीटर बना होता है, ये पैमाना मापक यंत्र है। यह मापक यंत्र लंबाई को मापता है, ठीक उसी प्रकार द्रव्यमान को मापने के लिए मापक यंत्र किलोग्राम वाट होता है। यह वाट जो है उसका द्रव्यमान मापता है। ये मापक यंत्र की द्वारा जब मापा जाता है तो उस भौतिक राशि के संख्यात्मक मान के बाद जो उचित मात्रक लगाते हैं उसकी परिभाषा देते हैं। मात्रक अगला है, मात्रक यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को जब मापते हैं तो संख्यात्मक मान के बाद जो हम लगाते हैं या जिसमें वो व्यक्त किया जाता है मापक यंत्र के अनुसार उसका वो यूनिट कहलाता है, मात्रक कहलाता है। यह मात्रक होता क्या? जैसे हमको 10 मीटर मापना है तो 10 मीटर में हम लिख सकते हैं इसको 10 गुने 1 मीटर आता है। 1 मीटर पैमाने से, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के पैमाने से, यदि ये 100 सेंटीमीटर का पैमाना यहाँ है 0 या 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर हुआ, 1 मीटर से यदि हम लंबाई 10 बार माप देते हैं तो पूरी लंबाई छड़ की या कपड़े की कितनी हो जाती है? 10 मीटर, जिसमें एक छोटा मान, यही स्टैंडर्ड मान है, मानक मान है 1 मीटर, यही उस लंबाई का मात्रक 1 मीटर। अतः पूरे परिमाण को व्यक्त करने के लिए 1 मीटर से कितने बार मापा जा रहा है? 10 बार। अतः 1 मीटर वह छोटी से छोटी है न मान है जिसको 10 बार मापने से पूरी लंबाई 10 मीटर मापा जा रहा है। किसी भौतिक राशि के कुल परिमाण में वह मानक मान जो कितने बार शामिल होता है, जैसे 1 मीटर कितने बार शामिल है? 10 बार। 1 मीटर शामिल है, 10 मीटर में 1 मीटर कितने बार शामिल है? 10 बार। यदि 20 मीटर मापना होता तो 20 मीटर में 1 मीटर कितने बार शामिल है? 20 बार। अर्थात 1 मीटर के पैमाने से यदि 20 बार माप दें तो कुल परिमाण कितना हो जाएगा? 20 मीटर। लेकिन सबसे छोटा मान, मानक मान कौन है? 1 मीटर। तो किसी भौतिक परिमाण न किसी भौतिक राशि के परिमाण को, कुल परिमाण को व्यक्त करने के लिए एक छोटा मान, मानक मान मान लिया जाता है और उस मानक मान से न बार बार मापा जाता है न जितने बार दोहराया उसकी माप को दोहराया जाता है। जैसे 20 मीटर में 20 बार, 10 मीटर में 10 बार। इस मानक मानी गई मान न छोटे मान को, राशि को मात्रक कहते हैं। कुल परिमाण में एक मानक मान मान लिया जाता है। ये मानक मान जैसे क्या? 1 मीटर न कुल परिमाण में 1 मीटर अर्थात 20 मीटर में 1 मीटर 20 बार शामिल है, अर्थात इस मानक मान को मात्रक कहते हैं। मात्रक की परिभाषा देख लीजिए, किसी भौतिक राशि के परिमाण में मानक मान
मान लिया जाता है। तथा इस मानक मान से पूरे परिमाण को, पूरे परिवार को जीतने वाला मापा जाता है, मापा जाता है। इस मानी गई मान या मानक मान को उस भौतिक राशि का, उस भौतिक राशि का मात्रक है। मात्रक कहती अतः किसी भौतिक परिणाम, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए जो उचित मात्रक लगाते हैं वो उसमें छोटा मान, पूरे परिमाण में छोटा मान शामिल होता है। जैसे 20 मीटर में 1 मीटर 20 बार शामिल है, 10 किलोग्राम में 1 किलोग्राम 10 बार शामिल है। तो यह मानक मान जो मान लेते हैं, इस माने गए मान को 10 बार रिपीट करने पर 10 किलोग्राम की माप होती है। इस माने गए मान, मानक मान 1 मीटर से 20 बार मापने पर लंबाई 20 मीटर मापा जाता है। इस चुनी गई मानक मान या छोटे मान को क्या कहते हैं, उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। उतार लीजिए इसको किसी भौतिक राशि के परिमाण में मानक मान है, तथा मान लिया जाता और इस मानक मान से पूरी परिमाण को कितने बार मापा जाता। इस मानक मान को या इस मानक राशि को, मानक मान को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। अब हमारे भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां जिनको मापा जाता है वो दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी, दे आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहला मूल राशियां, मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां। दूसरा व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां डिराइव क्वांटिटी। भौतिक राशियां मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। जैसे हमारे लिखने के अक्षर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ऐसे समझिए, स्वर का मतलब अ, आ, छोटी, बड़ी। व्यंजन का मतलब क्या हुआ, क, का, की, छोटी की, बड़ी की। अर्थात इस क में अ शामिल है, क का उच्चारण करने में अ बार बार आता है, अर्थात बिना स्वर के इस व्यंजन क का उच्चारण नहीं होगा।
का का बिना आ के उच्चारण है, क्योंकि का के बाद लास्ट में अंत में आ बोलना पड़ता है, क के बाद अ बोलना पड़ता है, अर्थात ये स्वर व्यंजन के उच्चारण में सहायता करते हैं। अर्थात मूल राशियां ये स्वयं उत्पन्न हुए हैं, ये मूल राशियां के द्वारा ही व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त किया जाता है। पहला मूल राशि, अर्थात स्वर जैसे ए अ है तो अ का उच्चारण किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, कि उसी प्रकार मूल राशियां और मूल राशियां किसी पर निर्भर नहीं करती। वे सभी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते उन्हें मूल राशियां कहते हैं। ये मूल राशियां सात हैं, पहला दूरी, दूसरा द्रव्यमान, दूरी डिस्टेंस, द्रव्यमान